तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरह से ये लोग ब्रेड बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं और वो पूरी तरह से जल जाता है। और अब योशी चिल्लाता है कि उसे एक प्रोफेशनल शेफ चाहिए होगा। हालांकि जो ये पुराने जमाने वाले गांव के लोग होते हैं वो उसको एंजॉय जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को असली टेस्ट पता ही नहीं होता ब्रेड का। जो योशी होता है बार बार बात कर रहा होता है एक प्रोफेशनल शेफ हमें चाहिए, लेकिन अब इनके पास पेट्रिफिकेशन जो फ्लूड होता है वो प्रेजेंट ही नहीं होता है। लेकिन वो कहता है कि ऐसा एक जना है जिसके पास जुगाड़ जरूर होगा फ्लूड का, जिसने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हाइड कर ही रखा होगा इतना कि वो एक दो जने को प्यूरिफाई कर सके। फिर वो सीधे फोन मिलाता है जर्नलिस्ट के पास और बोलता है तेरे पास फ्लूड जरूर होगा, तू डम बनने की कोशिश मत कर। तेरे पास चार्ज था कि किन किन लोगों को रिवाइव करा जाएगा और जितना मैं तुझे जानता हूँ तो तूने कुछ ना कुछ तो अपने पास बचा के रखा होगा। तो इसके बाद गेन वहाँ पहुंच जाता है और गेन उससे डायरेक्ट बात करने लगता है और वो अपना दिमाग लगाता है। सेनको इधर से कुछ बोल भी नहीं रहा होता है, लेकिन वो चीजें हैंडल खुद ही कर लेता है। बोलता है कि सेनको ने प्रॉमिस किया है कि जो चीजें मांग रही है वो चीज ये जरूर पूरा कर दे और इस जर्नलिस्ट के लिए एक गिफ्ट जरूर मिलेगा। उसके बाद कुछ चीजें विस्पर करता है और वो अपनी डिजायर बताती है कि उसको ये चीज चाहिए। उसके बाद वो अपनी सींग के अंदर से वो फ्लूड निकाल के देती है। फिर जो ऋषि होता है वो इन लोगों को भेज देता है उसको ढूंढने के लिए, और वो जो इंसान उठाना होता है उसका नाम होता है फ्रैंकोइस, और वो जमीन के अंदर पूरा धसा होता है। उसको जमीन से बाहर निकालते हैं। अब इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो मेल है कि फीमेल है, तो उसको बस अब ये रिवाइव करने जाते हैं। उसको बाहर निकाल के उसके ऊपर फ्रूट डालते हैं और ये बियॉन्ड परफेक्शन होता है। जैसे ये उठते ही सबसे पहले अपने कपड़े पहन लेता है तुरंत, और पता चलता है कि ये एक फीमेल है और ये बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल होती है। तुरंत कपड़े पहनती है और तुरंत कहती है कि तुरंत हम निकलेंगे और वहाँ जो रियोशी है उसके पास पहुंचेंगे। गेन उसको फॉलो करता है और बताता है कि मैं रास्ता दिखाऊंगा और उसके साथ चलने लगता है और वो लगातार तेजी से चल रही होती है। गेन भागता रहता है और हालत खराब हो जाती है। जो रियोशी होता है उसको भी याद नहीं रहता उसका एग्जैक्ट नाम क्या था, और साथ साथ उसको तो उसका जेंडर तक याद नहीं था। मगर ये जो होती है ये मोस्ट डिजायरेबल बटलर होती है पूरी दुनिया में। और ये लोग 2 दिन के अंदर पहुंच जाते हैं और गेन की हालत खराब होती है क्योंकि नॉन स्टॉप चलना पड़ता है। और जो फ्रेंड कोइस होता है वो सारी सिचुएशन रास्ते से समझ के आती है और पहली बार देखती है उस ब्रेड की तरफ और वो एकदम सड़ा सा मुंह बनाती है और कहती है किसी को तुमने खिलाया है तो नहीं। वो कहती है खिलाया है और वो लोग बोलते भी हैं कि अच्छा था, लेकिन वो इसको देख के और ज्यादा गंदा मुंह बना देती है। इसके बाद वो तुरंत तैयार होती है और ये लोग बताते हैं कि हमें एक बहुत ही लंबी जर्नी पे जाना है तो ऐसा ब्रेड चाहिए जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए लॉन्ग टाइम के लिए हो। और वो एक्यूरेट टाइम पूछती है तो ये 10 महीने का टाइम बताते हैं और वो अपना प्रिपरेशन शुरुआत कर देती है। फिर जो बकरियां होती हैं उनको पकड़ते हैं, उसका दूध निकालती है ये, और वो लड़की जो होती है वो बढ़िया से उसको मिक्स करती है, उससे बटर एक्वायर कर लेते हैं ये लोग। बेरीज होती हैं उनको भी एक्वायर किया जाता है और बेरीज को एक डिब्बे के अंदर बंद कर दिया जाता है जहाँ पे मॉइस्चर वॉइस्चर ना जाए और बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो नहीं हो सकते क्योंकि उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होगा। फिर उसके बाद ये लोग आटा जो होता है उसका डो तैयार करने लगते हैं और बहुत बढ़िया से नीट करते हैं और तैयार करते हैं। उसके बाद वो चिमनी दिखाता है जिसके अंदर ये लोग हीट कर सकते हैं, जिसको देख के जो ये बटलर होती है ये काफी ज्यादा खुश होती है। उसके बाद जो सारा सामान तैयार होता है वो उसके अंदर डालती है और ये लोग होते हैं क्रोम और बाकी लोग, उन लोगों को खुशबू आती है और वो लोग सूंघकर मजा आता है उन्हें। और हीट बढ़ाने के लिए अब सेंको क्या करता है उसके अंदर कुछ स्टीम्स डालता है जिससे हीट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे पता चलता है जो स्टीम होती है वो बेटर एनर्जी कंडक्ट करती है एयर से। और जो बटलर होती है इसको भी रियलाइज हो जाता है जो सेंको है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और योशी को यही बात पहले से पता होती है, सारे लोग ये ब्रेड खाते हैं और सारे लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं और सबको मजा आ जाता है खाकर। इसके बाद जो ब्रेड होता है वो एक्वायर हो जाता है। फिर वो उसको क्रोम को भी तरीका बताती है कि आटा लेना होता है और उसको फिर मिक्स करना होता है वाटर के साथ, उसको रेस्ट करने देना होता है कुछ दिन तक और 30 डिग्री टेम्परेचर पे। समर का जो होता है टेम्परेचर वो नॉर्मल होता है इसके लिए और उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है खुद ही। फिर जो फ्रूट स्किन होती है वो इसके अंदर मिलाया जाता है फ्रेग्रेंस के लिए और जितना ज्यादा तुम इसमें वाटर यूज करोगे उतना ही ज्यादा ये सॉफ्ट बन जाएगा। वाटर फ्लोर का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है क्योंकि ये खराब भी बहुत जल्दी हो सकती है। फिर उसमें नमक डालते हैं और उसको बढ़िया से उसको गूंथा जाता है और उसके बाद कुछ घंटों के लिए छोड़ा जाता है कवर करके। फिर जो उसका डो तैयार होता है उसको थोड़ा थोड़ा सा हिलाया डुलाया जाता है और उसको रोल किया जाता है 200 से 300 डिग्री के बीच में, इसको गर्म किया जाता है और बस हो गया, तुम एक्वायर कर सकते हो वहाँ पे ब्रेड। फिर वो जर्नलिस्ट का फोन आता है, वो कहती है कि जो तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था तो वो पूरा करो। उसका जो गेन होता है वो सेंको को बताता है और सेंको कहता है कि ये प्रॉमिस तो बहुत ही खतरनाक कर दिया तुमने, और वो कहता है इसके लिए क्राफ्टमैन की जरूरत पड़ेगी और जो कासेकी है वो इन लोगों के पास होता है। फिर कासेकी जो होता है वो कहता है कि यार मैं यहाँ बोर हो रहा था तो इसलिए मैं आने की तैयारी करता हूँ, और वो आता है और वो इतने कूल तरीके से आता है, अपनी गाड़ी को डेवलप कर लेता है, लड़की जो होती है वो ड्राइव कर रही होती है और बुड्ढा उसमें एकदम हीरो बन के बैठा होता है भैया, कोट पैंट चश्मा सारी चीजें लगा के मस्त तरीके से बैठा होता है, बुड्ढा एकदम कूल लग रहा होता है। उसके बाद सेंको उसे बताता है क्या बनाना है, तुरंत उसके कपड़े फट जाते हैं और वो एक्साइटमेंट में शुरू हो जाता है। जो सेंको होता है वो अपना
काम शुरू करता है और वो केमिकल मिलाना शुरू कर देता है। तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाता है पहले, फिर सिल्वर, फिर अमोनिया, फिर जो ग्लास होता है वो उसके अंदर ये लोग डिसॉल्व करते हैं और कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, उसके ऊपर हल्का सा ग्लूकोज डालते हैं और वो तैयार होता है और एक शीशा बनके एकदम तैयार हो जाता है। प्रोब देख के तो शॉक होता है क्योंकि वो पहली बार अपनी शक्ल देख रहा होता है और मिरर ये लोग एक्वायर कर चुके होते हैं और सारे ही लोग वो मिरर देखते हैं और इन लोगों को लगता है कि मिनामी ने मिरर मांगा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और सिंह को बताता है कि ये जो मिरर है वो एक फिल्म है और वो जो मिरर को है एक डिब्बे के अंदर डालते हैं और पता चलता है कि वो जो है कैमरा तैयार कर देते हैं और मिनामी को उसका कैमरा मिल जाता है क्योंकि वो बचपन से ये कैमरे के लिए पागल थी या बचपन में उसको कैमरा मिला था, लेकिन जब वो पत्थर वाला एज आया तो उसका कैमरा उससे छिन गया और स्टोन एज में सब वापस आकर सिंह ने उसको कैमरा बना के दिया है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो रोने लगती है और कहती है कि मैं ये अपना एक शॉट यूज करूंगी इस स्टोन एज एरिया में सिविलाइज कैप्चर करने के लिए। और उसके बाद पता चलता है कि सिंह बहुत सारे कैमरा बना के तैयार कर लेता है क्योंकि उसका आइडिया ये होता है कि वो आसमान से फोटोज लेगा और उससे वो मैप और अच्छे से बना सकता है। लड़की कहती है एटलीस्ट मेरे को पहली पिक्चर तो लेने दे। ऋषि बोलता है कि मैं इस फोटोज के सारे राइट्स खरीदता हूँ, मॉडल राइट्स भी खरीदता हूँ, सारी ही चीजें। चिल्लाती है, कहती है मैं तेरी फोटो क्यों ली। ऋषि कहता है मेरी नहीं लेनी, जिस इंसान ने इस सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी उसकी फोटो लेनी चाहिए और वो होता है सेंको। फिर वो जो बटलर होती है काजिकी से बहुत सारे कपड़े मंगा लेती है और वो एकदम तैयार होता है और वो सेंको को एक एक करके कपड़े पहनाने लगती है, अलग अलग स्टाइल में अलग अलग पोज मारने को कहती है, लेकिन अभी भी कोई ऐसा कॉन्फिडेंट शॉट होता नहीं है। फिर उस बटलर का सजेशन आता है कि वो वाला पोज दो जो वर्ल्ड मोस्ट फेमस साइंटिस्ट ने दिया था। और फिर इसके बाद ये लोग आसमान में पहुंच जाते हैं अपने बैलून की मदद से और शेंगो जो होता है वो बहुत सारी फोटोज लेने लगता है। नीचे क्रोम को दिखाया जाता है, क्रोम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है कि वो डेवलप कर सके उस फिल्म को। वो पहले मरकरी को कुक करता है, फिर वो फिक्सिंग सॉल्यूशन डालता है एक डिब्बे में, फिर उसमें सल्फर ऐड करता है और जो फोटो होती है वो तैयार होती है। और जो पोज होता है ये होता है आइंस्टीन का पोज। अब फोटोग्राफी ये लोग एक्वायर कर देते हैं। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। यार कमाल की जा रही है स्टोरी लाइन और देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। फुली आपको भी मजा आ रहा होगा हमारी वीडियोस। तो अगर आप हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।